हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन आवर मैप मेकिंग क्लासेस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर मैप मेकिंग क्लासेस, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल और जीएस ज्योग्राफी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स दी हुई है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूपीएससी के लिए, जो कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसे दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड एज वेल एज मेंस ओरिएंटेड, दोनों की क्लासेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दी गई है, आप इसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन के लिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारी लोकेशन। तो देखिए, ये हमारी लोकेशन थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डे 6 में देखा था। डे 7 की लोकेशन आपको लोकेट करनी थी। काफी अच्छा लोगों ने लिख करके भेजा हुआ है, और कुछ लोगों का एक डाउट था। जैसे एक डाउट यह है कि रेंजेस को कैसे दिखानी है, तो रेंज को जब भी आपको दिखानी होती है तो आप इस तरीके से करके दिखा रहे होते हैं। ये हो जाती है माउंटेन रेंज। अगर मान लीजिए हिल को दिखाना है, ट्राइंगल आप बना देंगे वहां पर, ये बन गई हिल। अगर आपको पास दिखाना है तो आप पास दिखा देंगे इस तरीके से, ये हो जाती है पास। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये भी क्या है, माउंटेन रेंज। इस तरीके से आप बना दीजिए कि हाँ, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कुछ नोटेशंस होती हैं जो आपको मैप में इस तरीके से लोकेट करना होता है। बाकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। मेनली आपको लोकेशन तो नॉर्मल चेक कर लिया जाता है कि ठीक, मतलब एक आस पास है कि नहीं है, और दूसरा मेनली आपकी राइटिंग होती है। जो आप यहाँ पर 30 वर्ड्स लिख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, फिर ये थी हमारी इसके बारे में, जरा फटाफट देख लेते हैं इनकी लोकेशंस के बारे में, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने 30 वर्ड पे फटाफट से। तो आप लोग भी फटाफट से अपने एटलस को ओपन कर लीजिए। एटलस में जब आप आएंगे तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को देख रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए, आप आ जाइए अपने नॉर्थ ईस्ट एशिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाइए। यहां पर देखिए, टॉप से लोकेशन देखिए, यहां पर देखिए आपको मिश्मी हिल्स दिखेगी, मिश्मी हिल्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सिमिलरली आपको डाफला हिल्स दिख जाएगी, डाफला के जस्ट बगल में यहीं पर आपको मिल जाएगी एबूर या फिर आकाश लेक। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, भी आकाश हिल्स दूसरे मैप में देखेंगे, वहां पर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हिल्स हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर पत्काई बूम भी है, हालांकि लोकेशंस तो नहीं थी बट आपको जानकारी होनी चाहिए, आप इसको अपने राइटिंग पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी लोकेशन आ जाती है, क्लियर। बाकी मिखिर हिल्स है, और नीचे बरेल रेंज है, और ये हमारी पूरी की पूरी पार्ट हो जाती है, गारो खासी जयंतिया मिखिर बरेल, ये सारी मिलके बन जाती है हमारी पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। बाकी नीचे मिजो हिल के बारे में दिया हुआ है। बाकी की कुछ लोकेशंस देखिए, मेरे इस मैप में नहीं है, स्टेट मैप ओपन करिए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आपको 3D पिक्चर में लेके चलता हूँ। तो ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में हम लोग अपने आ जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में जब आप देखेंगे यहाँ पर, और नॉर्थ ईस्ट एशिया के, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पर देखिए आपको फटाफट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप आ जाएंगे मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पे, तो आपको चिन हिल्स मिल जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, चाय के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो चिन हिल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा जब आप टॉप में आएंगे, आपको देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए, डाफला के पास देखिए ऊपर आपको एबोर हिल्स मिल जाएगा, एबोर के पास में यहीं पर आपको आकाश भी मिल जाएगा। तो आकाश भी इसी एबोर और डाफला के जस्ट बीचों बीच में मिल जा रही होती है। तो सारी लोकेशन लगभग हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग फटाफट आ जाते हैं और अपने 30 वर्ड पे आ जाते हैं, देखते हैं आखिर में क्या कुछ है इसमें। तो ये आ जाती है हमारी लोकेशन। लोकेशन पे हमारी सबसे पहले नागा हिल्स के बारे में है। नागा हिल के बारे में फटाफट आप देख लेंगे कि ये नागालैंड में है, तो आप बता देंगे इट इज द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा, जो कि म्यांमार तक एक्सटेंड कर रही होती है। द नागा हिल्स रीच अप टू माउंट सरामती ऑन द इंडियन म्यांमार फ्रंटियर। तो एक स्टूडेंट ने भी लिख करके भेजा हुआ था माउंट सरामती के बारे में, काफी अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। मैं कहूंगा ऐसे ही कीप इट अप, और काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हिल्स रिसीव अ हैवी रेनफॉल मॉनसून रेनफॉल एंड आर नेचुरली क्लोथ विद डेंस फॉरेस्ट placed throughout the hills are residents of Naga tribal. बाकी देखिए देखिए, जिन लोगों ने भी भेजा भी है, उन लोगों में एक चीज मैं इनपुट कम पा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग वाइड एरिया रखिए। जैसे आप लोग लोकेशन के बारे में बता दे रहे हैं, रिवर बता दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन है, आपको सिस्मिक जोन के बारे में जरूर बताना चाहिए था, आप लोगों ने सिस्मिक जोन नहीं बताया हुआ है। तो कुछ यहाँ पर डिजास्टर वाली भी एरिया को, डिजास्टर वाले भी डिमेंशन को अपने आंसर में लेकर के आइए।
देखिए मैं अलग अलग डायमेंशन आपको हमेशा इसीलिए बोलता हूं लिखने को क्योंकि ये बाकी नॉर्मल लोग नहीं लिख रहे होते हैं और यहीं पर आप एक एज ले पाते हैं। तो आप एक एज लीजिए, एक्स्ट्रा डायमेंशन लिखिए जिससे कि जो चेक करे उसको भी अच्छा लगे कि यार ये एक्स्ट्रा बंदा लिख रहा है, इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाए। यही सब छोटे मोटे तरीके होते हैं देखिए जहां पर आप मार्क्स को लेकर के आते हैं, मतलब 0.5 करके भी अगर आप मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं तो आप कुछ नहीं तो 10-15 मार्क्स बाकियों से ज्यादा पा जाएंगे। तो ये तरीके होते हैं मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के। मिजो हिल्स में आ जाएंगे तो माउंटेन रेंज इन साउथ ईस्ट मिजोरम स्टेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नॉर्थ अराकान ह्यूमस सिस्टम एंड द स्लोप्स ऑफ हिल्स आर कवर्ड विद एवरग्रीन फॉरेस्ट कंटेनिंग टिम्बर एंड बैम्बू, और बाकी सारी चीजें आपको यहां पर लिख लेंगे। एबोर के बारे में बात करेंगे तो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ द कंट्री ऑक्यूपाइड बाई एन इंडिपेंडेंट ट्राइब कॉल्ड एबोर्स। द हिल इज बाउंडेड बाई मिशमी हिल्स ईस्ट से, मिरी हिल्स वेस्ट से, द विलेज और बाकी जो होते हैं दिबांग रिवर से ये गुजर रहा होता है। चिन हिल्स के बारे में, मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पे है तो आप आराम से फटाफट लिख देंगे कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ म्यांमार में है, एक्सटेंडिंग इनटू इंडियन बॉर्डर एंड फॉर्मिंग द सेंट्रल एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन आर्क दैट स्ट्रेच नॉर्थवर्ड फ्रॉम द अराकान माउंटेन टू द पत्काई माउंटेन। तो पत्काई तक ये जा रही होती है। इसके अलावा देखिए त्रिपुरा हिल के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है त्रिपुरा स्टेट में ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। By way of Mizo Hills in Mizoram State on the east, तो ऊपर के साइड में ये आ जा रही होती है। Form a low western extension of Purvanchal Hill complex. The hill belongs to Assam Burma geologic province and unstable seismic zone crisscrossed by several fault. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी Purvanchal Hill complex के बारे में आ जाएंगे। Also called as Eastern Highland extending over अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम, तो इस तरीके से हो जाती है। हालांकि मिजोरम नहीं है, मिजोरम नहीं आती है, केवल और केवल मणिपुर तक ही आ पाती है। जियोलॉजिकली द रीजन इज अनस्टेबल एंड कम अंडर सिस्मिक जोन 5। द हाईएस्ट पीक ऑफ क्या है तो माउंट दाफा है। क्लियर। आगे बात करते हैं आकाश के बारे में, तो ये भी क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में होती है और दाफला और एबोर के बीचों बीच में। द ट्रैक्ट ऑफ द माउंटेन इज इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑक्यूपाइड बाई एन इंडिपेंडेंट ट्राइब कॉल्ड द आकाश। It lies north to the Assam and bounded on the east by the Dafla Hills. तो बाकी चीजें तो आप देख लेंगे। Dafla Hills के बारे में फिर, तो a tract of hill area on the border of eastern Bengal and Assam, occupied by an independent tribe called Dafia, and the hills are bounded by Akar Hills and all that, चीजें लिख देंगे आप। क्लियर है। तो देखिए ये थी हमारी पूरी की पूरी कहानी। अब आपको भी एक आइडिया लग गया है, फटाफट आप भी आप लिख सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही पॉइंट आपको लिखना है, कुछ भी पॉइंट आप अलग से भी बना सकते हैं, हो सकता है आपके पॉइंट्स मेरे से काफी अच्छे बन जाए। तो इस तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, काफी प्रैक्टिस अच्छी कर भी रहे हैं आप लोग, इसी को कंटिन्यू रखिए। बाकी लोकेशन ले लीजिए आप लोग कल के लिए, डे 8 के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्लेटूज के बारे में, तो जितने भी पठार है उनके बारे में, तो लद्दाख, मालवा, बुंदेलखंड, राजकोट अपलैंड, बांदेर एंड बाघेलखंड, ये हमारे 5 लोकेशन है हमारे कल के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहे टेलीग्राम करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।